जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज हम समझने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। अगर आप समझना चाहते हो उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए मैं आपको तरीके स्टार्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें आपको सिर्फ पूरे गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी हो उसमें आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना है। जो पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे अलग अलग, तो सब टैक्स को हटा। अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी सबसे पहले कौन सा टैक्स होता है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या खास बात होती है कि आप टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस पे टैक्स लगा उसी को पे करना होता है। सपोज करते हैं एक सेलर है, सेलर ने सामान बेचा एक कस्टमर को, तो कस्टमर से वो जीएसटी लेगा, ठीक है? ये सामान देगा, गुड्स देगा या सर्विस देगा, और कस्टमर से वो जीएसटी लेगा, यानी कि कस्टमर पे करता है जीएसटी। जो एक्चुअली में फाइनल कस्टमर होता है, फाइनल कंज्यूमर जो उसको यूज करेगा, वो जीएसटी एक्चुअली पे कर रहा है, और ये आगे गवर्नमेंट को यही जमा कराएगा। ये एक छोटा सा एक पार्ट होता है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक तरीके से यही जीएसटी का कॉन्सेप्ट है बेसिक। लेकिन होता क्या है कि सैलर यहां पर एक नहीं होता, ठीक है? ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सैलर गुड सर्विस देगा, कस्टमर्स को जीएसटी देगा, क्योंकि जो बेचता है वो जीएसटी उस पर चार्ज करेगा गुड्स एंड सर्विस पे, और जो उसको यूज करता है वो उसको देना पड़ता है। जब वो बाय करेगा कोई, तब उसको जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी बाय करते हुए दिया जाता है। सेलर कभी भी जीएसटी गवर्नमेंट को अपनी जेब से जमा नहीं कराएगा, वो कस्टमर से लेके जमा कराएगा। तो कस्टमर बाय करते हुए उसको जीएसटी देगा, लेकिन सेलर कभी कभार एक नहीं होता। ये पूरी की पूरी एक सप्लाई चेन होती है, ठीक है? ये पूरी की पूरी एक सप्लाई चेन होती है। तो वहां पर क्या होता है फिर? सप्लाई चेन कुछ ऐसे होती है, जैसे कि सबसे पहले कोई गुड्स बनाता है मैन्युफैक्चरर, फिर मैन्युफैक्चरर आगे होलसेलर को देता है, होलसेलर आगे बेचता है, फिर पहले रिटेलर को, फिर रिटेलर से होके जाता है कस्टमर तक, ठीक है? ये एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन होती है। कस्टमर क्या था या कंज्यूमर, तो ये एक पूरी की पूरी ऐसी कुछ सप्लाई चेन होती है। तो यहां पर जीएसटी कैसे लगता है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर आपको जीएसटी कैसे लगता है। यहां पर जब भी कोई ऐसा सप्लाई चेन होती है जहां पर बहुत सारे बंदे आते हैं और आगे गुड्स को आगे आगे बेचते रहते हैं, तो वहां पर जो जीएसटी लगता है वो लगता है वैल्यू एडिड पे। ये एक तरह का वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी एक तरह का वैल्यू एडिड टैक्स ही है। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है कि जितनी आपने एक गुड्स पे जितनी वैल्यू एड करी है, जितनी उसकी वैल्यू बढ़ाई है, सिर्फ उस बंदे को उस वैल्यू एड जितनी करी है उस पे ही टैक्स देना होगा, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर तो एक्चुअल में बियर करेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब से भी टैक्स लेगी। कैसे लेगी? वैल्यू एडिड पे लेगी। क्योंकि अगर हम सीधा रिटेलर से सारा पैसा ले लेंगे, सपोज करो भाई कंज्यूमर से रिटेलर पे 1 लाख का सामान पड़ा होलसेलर पे आते आते, और 1 लाख पे इसने कंज्यूमर को बेचा जीएसटी लगा के, सपोज करो 1 लाख 10 हजार का, तो ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट सीधा 10 हजार में पूरा का पूरा रिटेलर से ले लेगी। ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पीछे सारे के सारे जो होते हैं वो टैक्स नहीं देते, और अगर कोई रिटेलर टैक्स नहीं देगा तो गवर्नमेंट में सारा टैक्स कट जाएगा एक ही बारी में। लेकिन वैल्यू एडिड पे क्या होगा कि धीरे धीरे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहता है, चाहे कम मिलेगा लेकिन यहाँ भी टैक्स मिलेगा, यहाँ भी टैक्स मिलेगा। बीच में कोई चोरी भी करता है तब भी टैक्स बहुत सारा गवर्नमेंट को मिल जाएगा, तो रिवेन्यू की कोई दिक्कत नहीं आती। तो वैल्यू एडिड पे लगता है। इसके छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं और उसका फिर आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करते हैं कि मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया 1 लाख का, ठीक है? मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख का आपका सामान बनाया, 1 लाख का सामान बनाया मैन्युफैक्चरर ने, और सबसे पहले उसने क्या करा, होलसेलर को बेचा। मैन्युफैक्चरर ने सामान बना के किसको बेचा, होलसेलर को बेचा। होलसेलर को जब बेचा तो वहां पर जीएसटी चार्ज करेगा वो होलसेलर से, क्योंकि जब भी सामान बिकता है तो जीएसटी चार्ज करना पड़ता है।
चाहे भले ही वो होलसेलर है, ठीक है, फाइनल कंज्यूमर नहीं है, जीएसटी तो चार्ज करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, वो जीएसटी आप मानते हो मैं कि वो होलसेलर नहीं देगा जीएसटी एक्चुअली में, क्योंकि वो तो आगे शिफ्ट पड़ गया बटन, बट अगर माल बिक रहा है तो जीएसटी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, होलसेलर पूरा जीएसटी नहीं देगा। तो सपोज करते हैं उसने जीएसटी चार्ज करा 10%, तो 1 लाख का सामान कितने का पड़ गया होगा उसको? 10,000 जीएसटी लगा गया, 1 लाख का सामान था, 10% जीएसटी लगाया, तो 10,000 और बढ़ गया सामान, तो यानी कि 1,10,000 का पड़ गया होलसेलर को, ठीक है, 1 लाख का सामान था, जीएसटी लगा के 1,10,000 का उसको पड़ा। अब ये होलसेलर आगे किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा सामान, है ना, आगे बेचेगा रिटेलर को, और ये सारा का सारा अपना टैक्स का बटन फिर आगे शिफ्ट कर देगा। मैन्युफैक्चरर अपना टैक्स का बटन किस पे शिफ्ट कर दिया हमने? होलसेलर पे। होलसेलर आगे क्या करेगा? रिटेलर पे शिफ्ट कर देगा। होलसेलर इस पे भी जीएसटी लगाएगा, जो सामान ये बेच रहा है होलसेलर आगे रिटेलर को, तो ये भी तो जीएसटी लगाएगा ना, तो इसको जो सामान बेचते हुए जीएसटी लगाना पड़ेगा 10% का, इसको जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो 1,10,000 पे का 10% कितना होता है? 11,000 पे, ठीक है, तो 11,000 पे प्लस करके इसको मिलेगा रिटेलर को कितना मिल जाएगा? 1,21,000 का पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में? मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख सामान बनाया, आगे बेच रहा होलसेलर को 10% का जीएसटी लगा के बेचेगा, क्योंकि सामान बेचते हुए जीएसटी लगाना पड़ता है। फिर होलसेलर को 1,10,000 का पड़ा, फिर आगे इसने बेचा जीएसटी लगाया 10% का, 1,21,000 का पड़ा। रिटेलर ने फिर आगे कंज्यूमर को बेचा, रिटेलर ने आगे फिर कंज्यूमर को बेचा, कंज्यूमर को जीएसटी फिर लगाएगा, भाई बेचते हुए तो जीएसटी लगेगा 10% का, 1,00,000 का 10% कितना होता है? 12,100, है ना, तो कितने का पड़ गया? इतने का पड़ गया कंज्यूमर को, इतना का पड़ गया, तो कंज्यूमर को इतना पड़ गया। अब कंज्यूमर आके बेच रहा किसी को? नहीं बेच रहा, तो एक्चुअल में फिर जीएसटी किसने पे किया होगा? जैसे मैंने को स्टार्टिंग बताया था, जीएसटी एक्चुअल में फाइनल कंज्यूमर ही बियर करता है, तो पूरा का पूरा जो जीएसटी है वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर, ये फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि आगे बेच नहीं रहा सामान, आगे बेच नहीं रहा सामान ना, तो ये आगे बेच रहा है, तो एक्चुअली में जीएसटी पे पता कौन पे करेगा? ये पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। तो कंज्यूमर कितने का पे करेगा? कितने का इसको पे करना पड़ गया जीएसटी? कंज्यूमर को पे करना पड़ गया था 1,21,000 का 10%, कितना हो गया था? इतना 12,100। ये है जीएसटी, यही पूरा का पूरा अमाउंट जीएसटी का गवर्नमेंट को जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि जो फाइनल कंज्यूमर ने जो पे किया वही तो जीएसटी के पूरे की पूरे अमाउंट है एक्चुअल में। जो फाइनल एक्चुअल में जाके जो गुड्स की वैल्यू बनी उसको जो फाइनल कंज्यूमर को बेचा गया वो जो जीएसटी की अमाउंट बन रही है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को जाएगी। पर ये गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ऐसे सीधा पूरी तरीके से हमारी 1 साल नहीं जाएगी अमाउंट के, ये सारी की सारी अमाउंट रिटेलर जमा नहीं करेगा, ये सारी की सारी अमाउंट वैल्यू एडिड टैक्स लगेगा इस पे। एक तरह का आपने जितनी वैल्यू एड करी है उतना उतना ये सारे के सारे पे करेंगे, कोई भी टैक्स बियर नहीं करेगा। जैसे कि आप जानते हैं मैन्युफैक्चरर टैक्स जरूर पे करेगा गवर्नमेंट को, पर ये खुद पे नहीं कर रहा है, इसने 10% का जीएसटी लगाया आगे होलसेलर पे, कितना बना? 10,000 का बना, ठीक है, बिल्कुल सही है बात, यहां तक समझ में आ रही है बात। इसने 1 लाख का सामान बनाया, क्योंकि सामान की वैल्यू जीरो थी ऐसा मान के चलो, और जीरो से ने 1 लाख कर दी, तो कितना वैल्यू ऐड करा इसने सामान पे? 1 लाख, क्योंकि जीरो मान के चलो पहले आप, तो इसको पूरा का पूरा 10,000 का जीएसटी सरकार को देना होगा, पर ये खुद नहीं पे कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो इनने कहां से लिया? होलसेलर से लिया। फिर ये होलसेलर 1,10,000 रुपए का सामान इसने इसको पड़ा, आगे ये बेच रहा है, मैं यहां पर एज्यूम कर चल रहा हूं कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब ये ना कहना कि भाई प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा, ये प्रॉफिट एज्यूम करके चलो नहीं है, एग्जाम्पल के लिए आसान बनाने के लिए प्रॉफिट नहीं है सपोज करो, तो 1,10,000 का सामान आगे रिटेलर को बेच रहा है, 10% इस पर लगाएगा, कितना पड़ा? 11,000 का पड़ा, तो क्या 11,000 पे जमा कराएगा जीएसटी? ध्यान से देखो, क्या ये 11,000 पे जमा कराएगा? ठीक है चलो 11,000 पे जमा कराएगा, क्योंकि सरकार से भाई इसको जीएसटी आगे से मिला, जीएसटी 11,000 का। पर मेरे भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएसटी कभी भी ये सारे लोग पे नहीं करेंगे, पर इसने तो होलसेलर ने पीछे पे किया था 10,000 का जीएसटी, किया था नहीं किया था? जब इसने सामान खरीदा होगा मैन्युफैक्चरर से तो ने 10,000 का जीएसटी पे किया होगा, तो ये क्यों किया?
गलत किया ना इसने, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीएसटी तो कंज्यूमर भी आय करेगा, होलसेलर ने क्यों पे करा जीएसटी, तो होलसेलर इसका मांगेगा टैक्स क्रेडिट। इसको पीछे 10,000 का क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट होता है कि भाई छूट मिल जाएगी टैक्स में, कि 10,000 का जो जीएसटी इसने पे किया तो उसका क्रेडिट ले लेगा कि भाई ये पे मैंने किया है, क्योंकि सामान एक्चुअली में मैंने खरीदा है और आगे बेच रहा हूं। अगर या तो मैं बेचता ही ना सामान आगे, तब तो टैक्स क्रेडिट मांगने की जरूरत ही नहीं थी, कंज्यूमर थोड़ी मांगेगा टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये आगे सामान बेच रहा था और इसने पीछे सामान खरीदा था उसके बदले में इसने जीएसटी पे किया है पीछे, इसलिए इसको 10,000 का टैक्स क्रेडिट मांगना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये नहीं पे कर सकता, सप्लायर कभी भी ऐसा पे नहीं करेगा जीएसटी, तो 10,000 टैक्स क्रेडिट मांगेगा और ऐसे ही जीएसटी इसको पे नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? जीएसटी इसको पे नहीं करना पड़ेगा। फिर होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर जब आगे कंज्यूमर को बेचेगा, है ना, रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचेगा सामान, तो ये रिटेलर कितना लेगा अमाउंट इससे, बताओ कितना लेगा रिटेलर इससे, कितना लेगा अमाउंट रिटेलर इससे कितना लेगा? देखो हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना, 10,000 टैक्स क्रेडिट मांगेगा, पर इसने रिटेलर से कितना लिया होगा अमाउंट, रिटेलर से इसने 11,000 रुपये कलेक्ट किया होगा, क्योंकि 1,10,000 का इसने सामान बनाया था, और कितने कलेक्ट किया होगा इसने रिटेलर से, 11,000 रुपये कलेक्ट किया होगा। बात समझ में आ रही है? 10,000 का तो पीछे क्रेडिट मांग लेगा, पर इसने 11,000 रुपये कलेक्ट भी तो किया होगा ना रिटेलर से, 11,000 कलेक्ट किया होगा ना, 10,000 नहीं कलेक्ट किया होगा, 11,000 रुपये कलेक्ट किया होगा, तो 11,000 रुपये टैक्स का आपको क्रेडिट किया होगा, तो इसको 11,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा जीएसटी। पर आपको पता है कि 11,000 रुपये पूरा जमा नहीं कराएगा, एक्चुअली में वो पीछे 10,000 क्रेडिट मांग लेगा, 11,000 रुपये जमा नहीं कराएगा, क्रेडिट मांग लेगा, तो एक्चुअली में 1,000 रुपये ही जमा कराना पड़ेगा भाई, रिटेलर से 11,000 रुपये मिलिए जीएसटी के, पीछे उसका 10,000 का क्रेडिट मांग लेगा, क्योंकि 10,000 मैंने पे किए थे गलती से, गलती से नहीं, 10,000 मैंने पे किए थे, तो एक्चुअली मैंने सिर्फ 1,000 ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा रिटेलर ने कंज्यूमर को आगे बेचा, और रिटेलर ने जब कंज्यूमर को आगे बेचा तो इसको इसको जीएसटी कितने का मिला होगा, रिटेलर को इतने का मिला होगा, लेकिन इसने भी पीछे पे किया था, कितने का किया था, 11,000 का किया, नहीं किया था, 11,000 का किया, ये क्या मांगेगा, टैक्स क्रेडिट मांगेगा, क्यों भाई ये क्यों पे कर रहा है, कंज्यूमर तो यूज करने में वही हो रहा है, तो एक्चुअल में ये जीएसटी कितना जमा कराएगा, ये सिर्फ 1,100 रुपये जमा कराएगा, ये सिर्फ 1,100 रुपये जमा कराएगा, और एक्चुअल में ये देखो 1,100 रुपये भी इसने कंज्यूमर से लिया है, खुद नहीं पे कर रहा है, और इन सब के टोटल करोगे 10,000, 1,000, 1,100 रुपये, तो टोटल मिला के कितना आ रहा है, ये जितना कंज्यूमर पे कर रहा है, जितना कंज्यूमर पे कर रहा है, समझ रहे हो, ये होता है जीएसटी पूरे का पूरा, ऐसे लगता है जीएसटी, इस तरह से लगता है कि जीएसटी टुकड़ों में गवर्नमेंट को मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा कि 1,12,000 पूरा जीएसटी मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा, जीएसटी उसको गवर्नमेंट को ऐसे मिलेगा, जिससे अगर कोई किसी को गवर्नमेंट को धोखा भी देता है, कोई जीएसटी पे नहीं करता है, तब भी गवर्नमेंट को कुछ जीएसटी मिलता रहेगा, सपोज करो होलसेलर ने जीएसटी पे नहीं करा तो कम से कम जीएसटी 10,000 तो मिलेगा ना सरकार को, ऐसे ही रिटेलर ने कोई पे नहीं करा, कोई बात नहीं, तब भी मिल गया, और अगर सीधा रिटेलर से लेगी गवर्नमेंट तो दिक्कत है, अगर रिटेलर पे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को पूरा जीएसटी चल जाएगा, एक साथ पूरा जीएसटी नहीं मिलेगा, इसीलिए वैल्यू एडिट पे हमेशा लगता है, तो जीएसटी जब ऐसे सप्लाई चेन होती है, ऐसी ही होती है वैसे, तो सप्लाई चेन में क्या होता है कि जीएसटी इस तरीके से लगता है, अगर आप सामान पीछे भाई, अगर आपने पीछे सामान खरीदा और आगे बेच रहे हो उसको दोबारा से, तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि पीछे आपने जीएसटी पे कर दिया, जो कि आप पे नहीं करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, पे तो कंज्यूमर करेगा फिर एक्चुअली में, इसलिए तो आप मांगोगे टैक्स क्रेडिट, फिर रिटेलर भी मांग रहा है, कंज्यूमर नहीं मांगेगा, क्योंकि कंज्यूमर आगे बेच नहीं रहा सामान को, यही सामान अगर आगे बेचता तो कंज्यूमर भी मांगता, ठीक है, कंज्यूमर फिर होता ही ना वो, तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी का, चलिए इसको आगे समझते हैं, चलिए यहां से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी जो यहां पर लिखा हुआ है थ्योरी के थ्रू, जीएसटी यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि एक सिंगल एडिट वैल्यू एडिट टैक्स है, मैंने बताया ना आपको वैल्यू एडिट टैक्स है एक तरह का ये, ठीक है, ये बिल्कुल वैल्यू एडिट टैक्स है, जीएसटी इज अ सिंगल वैल्यू एडिट टैक्स, ठीक है, तो जीएसटी इज अ सिंगल वैल्यू एडिट टैक्स ऑन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हुए जीएसटी एक सिंगल वैल्यू एडिड टैक्स है, क्योंकि एक ही टैक्स देना पड़ रहा है, पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, पहले कई सारे टैक्सेस थे, पर अब एक ही सिंगल वैल्यू एडिड है, पहले जो वैट लगता था वैल्यू एडिड टैक्स, तो उसके साथ साथ सिर्फ वैट नहीं लगता था,
और भी कई सर्विस के लिए अलग सर्विस टैक्स था, लेकिन अब सबके लिए एक ही टैक्स हो गया। हजारों टैक्स, सेल टैक्स हटा दिया। पहले अलग अलग टैक्स वैट के साथ देना पड़ता था, पर ये वैट है पर और कोई टैक्स नहीं था, सिंगल हो गया, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। समझ आ गई बात? अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने में कैसे देना पड़ता है जीएसटी। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्सेस। इनपुट टैक्सेस क्या होते हैं, जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था, ये बेसिकली ये जो टैक्स क्रेडिट मांगा है ना, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट होता है कि पीछे आपने जो सामान लिया, रॉ मटेरियल लिया, या फिर कोई आपने गुड्स को बनाने के लिए कोई सामान खरीदा, तो उसे बोलते हैं इनपुट, ठीक है। और जब सामान बेचते हैं तो उसे बोलते हैं आउटपुट। तो आउटपुट करते हुए आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अगर आउटपुट आप कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और सेल करते हुए आपने पीछे कुछ इनपुट किया था, कोई सामान खरीदा था उससे, उसको बनाने के लिए या उसको बेचने के लिए, तो वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके लिए मिलता है, ठीक है। तो एट ई स्टेज विल बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन जितनी होगी उसके हिसाब से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से मिलता है। तो जीएसटी एजेंशली अ टैक्स ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन एट ई स्टेज। वैल्यू एडिशन जितनी होगी उस पर ही जीरो जीएसटी लगता है, ठीक है। तो द फाइनल कंज्यूमर विल दस बियर ओनली द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट डीलर। फाइनल कंज्यूमर को पूरा पूरा जीएसटी बियर करना पड़ता है, जो सबसे लास्ट डीलर ने सप्लाई चेन में चार्ज किया होता है। तो ये विद सेट ऑफ बेनिफिट एट ऑल द प्रीवियस ईयर, उसके साथ सेट ऑफ हो जाते हैं सारे के सारे बेनिफिट। सेट ऑफ कैसे हो जाते हैं, वही चीज कि भाई इसने अपना 11,000 पे सेट ऑफ कर दिया है ना पूरे के पूरे, क्योंकि रिटेलर को वरना पूरे के पूरे जीएसटी समान नहीं कराना पड़ता, इन्हें पूरे 11,000 पे पीछे सेट ऑफ कर दिए, इसने आगे 10,000 इसको बोलते हैं यही सेट ऑफ बोल रहा है वो। तो फाइनल कंज्यूमर विद 10 बियर ओनली द जीएसटी चार्ज बाय लास्ट डीलर सप्लाई चेन विद सेट ऑफ बेनिफिट एट ऑल द प्रीवियस स्टेजेस, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की, जीएसटी के फीचर्स क्या है। सबसे पहला फीचर मैंने आपको पहले ही बताया, वैल्यू एडिट टैक्स है। वैल्यू एडिट टैक्स है, इससे बड़ा फीचर कोई है ही नहीं। तो ये क्या है, एक वैल्यू एडिट टैक्स है, ठीक है, वैल्यू एडिट टैक्स है। तो जीएसटी इज अ सिंगल वैल्यू एडिट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर जीएसटी टैक्स इज लिव्ड ओनली ऑन द वैल्यू एडिट एट दिस स्टेज, ठीक है, सिर्फ वैल्यू एडिट पे ही लगता है। फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, इन्होंने बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ने हाउस परचेज किया, ठीक है, हाउस, अब बिजनेस हाउस परचेज इज द गुड्स, एक गुड्स परचेज किया 1,000 रुपए का, उसने आगे 1,500 पे सेल किया, 1,500 का, बाय एडिंग 500 रुपए टू द इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ से बिजनेस ओवर एट 200 रुपए और प्रॉफिट उसका 300 रुपए हुआ। सो ही विल हैव टू पे जीएसटी ऑन द वैल्यू एडिशन ऑफ 500 रुपए। जिसने जितने उसके गुड्स की वैल्यू जितने उसने बढ़ा दी, उत पे ही सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा, 1,500 पे जीएसटी देना पड़ेगा उसको, उसको देना पड़ेगा 500 रुपए में, क्योंकि 1,000 रुपए का इनने पीछे खरीदा था, इनने 1,000 रुपए का खरीदा था और 1,000 रुपए पे मांगेगा टैक्स क्रेडिट, जो इसने पीछे पे किया होगा। जैसे कि यहां पर हुआ था, इसने 1,10,000 का पीछे खरीदा, तो इसको पहले तो मांगेगा 10,000 का टैक्स क्रेडिट, और इसने कितनी वैल्यू एड करी, यहां तो वैसे इस एग्जाम्पल में वैल्यू एड कर ही दिया, प्रॉफिट मैंने मना कर दिया था, पता अगर ये प्रॉफिट जोड़ता तो उसको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता, समझ रहे हो बात को। मैंने यहां पर इस एग्जाम्पल में, यहां पर प्रॉफिट एक्चुअली में मैंने लिया ही नहीं था, पर प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा उसको। यहाँ तो प्रॉफिट निकल के एक तरह का आ गया एक साथ, कि वो टैक्स जीएसटी वाला, कि भाई इसको 1,00,000 कितने का जीएसटी मिला होगा, इतने का मिला होगा, 120,100 का, क्योंकि आगे जीएसटी इसको इतने का मिल गया होगा, ठीक है, सॉरी 11,000 रुपए का इन्हें जीएसटी आके चार्ज किया होगा, तो 11,000 का मिल गया होगा, तो उसको 1,000 जमा कराना पड़ा। पर ये एक तरह की प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अगर और जोड़ता तो इसमें 1,000 नहीं जमा कराना पड़ता, जो भी इसको प्रॉफिट जोड़ता वो भी जमा कराना पड़ेगा, जो भी जमा कराना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। तो वो चीज होती है, ऐसे प्रॉफिट पे भी इसको पे, प्रॉफिट पे ही पे करना पड़ेगा उसको, जितना उसकी वैल्यू एड बढ़ रही है। कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होता है जीएसटी, सब एज्यूम ऑल द प्रिवेलिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस मोर ओवर, कि भाई सारे टैक्सेस को हटा के एक ही टैक्स बना दिया गया, यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम हो गया अक्रॉस द कंट्री। मल्टी स्टेज पे लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोड्यूसर पे लगेगा, प्रोड्यूसर से लेकर रिटेलर तक लगता रहेगा, हर एक वैल्यू एडिट, जितना वैल्यू एडिशन होती रहेगी चेन में। क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज, मैं बार बार बताते रहा वही चीज, कि क्रेडिट पीछे पीछे आपने परचेज किया है तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, अगर आप उसकी सप्लाई कर रहे हो आगे, ठीक है। फिर आगे डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
जीएसटी इज कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जीएसटी सिर्फ कंजप्शन जहां पर हुई है वहीं पे कलेक्ट होता है। जीएसटी जहां पर सप्लाई हो रहा है वहां कलेक्ट नहीं होगा। जिस पे माल जा रहा है जिस फाइनल कंज्यूमर पे जहां पर वो है वहीं तो कलेक्ट होगा ना। द टैक्स अथॉरिटी विल अप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन इन द प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम, क्योंकि कंज्यूमर पे लग रहा है फाइनल कंज्यूमर पे, तो भाई जीएसटी भी तो वहीं कलेक्ट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट कॉटन गार्मेंट आर शिप्ड फ्रॉम गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र एक सामान गया। सो गुजरात एक प्रोड्यूसर, ठीक है, सपोज करते हैं गुजरात, गुजरात से सामान कहाँ जा रहा है, महाराष्ट्र पे, ठीक है, गुजरात से महाराष्ट्र पे सामान जा रहा है। गुजरात में प्रोड्यूसर है जो सामान बना रहा है, महाराष्ट्र पे हमारा क्या है, कंज्यूमर है। तो जीएसटी कहाँ कलेक्ट होगा, जीएसटी यहाँ कलेक्ट होगा। गवर्नमेंट कौन से कलेक्ट करेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, समझ गए, ये कहना चाह रहा है वो। तो जीएसटी गुजरात इज प्रोड्यूसर स्टेट एंड महाराष्ट्र इज कंज्यूमर स्टेट, तो टैक्स रिवेन्यू ऑन जीएसटी शैल बी कलेक्टेड बाय जीएसटी अथॉरिटी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कलेक्ट होगा। नो कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि भाई कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली वैट और जीएसटी में सबसे बड़ा फर्क आपको यहां से समझ में आएगा इस कास्केडिंग इफेक्ट से। वैट में क्या होता था कि बेसिकली वैट आपका लगता था, सबसे बड़ी चीज वैट में क्या होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगता था, ओनली गुड्स पे। पर जीएसटी में क्या है, दोनों पे लगेगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। मतलब कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर एक सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर है और ठीक है सॉरी होलसेलर है, उसने कोई सर्विस करते हुए पीछे अगर कोई इनपुट, मतलब पीछे कोई सर्विस के लिए कोई इनपुट दिया, इनपुट खरीदा मैन्युफैक्चरर से, कोई सर्विस ली ताकि वो गुड्स को बना सके, तो वो भी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मांग सकता है, बिकॉज वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों एक ही है, गुड्स और सर्विस एक ही हो गया, क्योंकि वो इनपुट चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो। बट यहाँ पर वैट में क्या था, आपको सिर्फ गुड्स पे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता था, सर्विस में नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फर्क था कि गुड्स पे लगता है खाली वैट, पर जीएसटी दोनों पे लगता है, जिसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट मांगने में आसानी होती थी कि सर्विस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट मांग सकते हो, पहले ऐसा था ही नहीं सप्लाई चेन में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कास्केडिंग इफेक्ट बंद हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट यही है। सिंस ओनली द वैल्यू एडिट, कास्केडिंग इफेक्ट बेसिकली होता है कि पीछे टैक्स के ऊपर टैक्स कभी कभार आप दे देते हो, कि भाई आपने पीछे टैक्स दिया उसका क्रेडिट मांग नहीं सके, ठीक है, उसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। सिंस ओनली द वैल्यू एडिट एट स्टेज टैक्स अंडर जीएसटी, क्योंकि सिर्फ वैल्यू एडिट पे लगेगा, देयर इज नो टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट अंडर जीएसटी, बिकॉज जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जीएसटी गुड्स और सर्विस डिफरेंशिएट नहीं करता, बट वहां पर हो सकता था। जीएसटी के रेट होते हैं अलग अलग, देखो चार स्लैब है जीएसटी के, 5%, 12% और 18%, 28%, अलग अलग गुड्स और सर्विस के हिसाब से जीएसटी के स्लैब्स है, इसके ऊपर कभी फिर डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है कि हर एक सप्लायर जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज कोई भी, ठीक है, और उसको रजिस्ट्रेशन हो करानी पड़ेगी स्टेट के अंदर, अगर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करती है। अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट होती है कोई, उसमें 10 लाख अगर वो सालाना रिवेन्यू कर रहा है अपनी, तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर वो अदर स्टेट से है तो 20 लाख का उसको, अगर वो 20 लाख की सेल कर रहा है तो आपको उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करूं तो आपकी एक तो आ जाएगी सारी की सारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है सारी की सारी वो आएगी। तो सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स है जैसे कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा, और साथ में आपकी आएगी एक तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हो, और या फिर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ये आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है।
यहाँ पर आपके लिए जो स्कीम है, आपके लिए रजिस्ट्रेशन क्या कैटेगरी है कि 10 लाख से आपका रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए तब आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, या तो 20 लाख एनुअल के लिए, ठीक है, एनुअल है ये रेवेन्यू। और ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर अंदर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पैन आपका होना चाहिए, 30 डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पैन आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है? पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होती है ये भी पहले सबको समझ लो आप। इंटर स्टेट होती है जब आप एक स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो, ठीक है, जब आप एक स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो। और इंट्रा स्टेट क्या होती है? इंट्रा स्टेट ये होती है कि जब आप एक स्टेट के अंदर ही माल बेच रहे हो, ठीक है, इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। या फिर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, टैक्स पे करते रहते हो, या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो और टैक्सेबल पर्सन हो। जीएसटी फॉर सेल विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर अगर आप माल बेच रहे हो तो वहां पर जो जीएसटी है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है। स्टेट के अंदर आपको दो जीएसटी के टुकड़े करने होते हैं, जीएसटी दो देने होते हैं, एक होता है सी जीएसटी और एक होता है एस जीएसटी। जीएसटी सपोज करते हैं रेट है 18%, तो 18% आपको पे कैसे करना होगा? 9% करके, कि सी जीएसटी 9% देना होगा, एस जीएसटी 9% देना होगा, दोनों देना होगा। सी जीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और एस जीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएसटी स्टेट में कौन सी स्टेट लगती है? जो डेस्टिनेशन बेस होती है। मैंने जैसे ऊपर गुजरात और महाराष्ट्र वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, वो क्या था कि जिस स्टेट के अंदर माल जाएगा जीएसटी वही स्टेट कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो एस जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? ये जो एस जीएसटी जिस स्टेट में माल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जहां पर माल जा रहा है वो एस जीएसटी वो कलेक्ट करेगा, उसको मिलेगा। और जब इंटर स्टेट होता है सप्लाई, तो उस वहां पर आई जीएसटी देना होता है। जीएसटी के नाम बदल जाते हैं फिर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहां पर आपको सिर्फ 18% देना होगा आई जीएसटी, ठीक है। और ये अपने आप फिर गवर्नमेंट आगे, ये आई जीएसटी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है, ये आगे गवर्नमेंट अपने आप डिसाइड करती है कि किसको देना है जीएसटी, अपने पास कितना रखना है। वैसे तो आधा तो रखती है, आधा अपने पास रखेगी, आधा दे देगी स्टेट को। कौन सी स्टेट को? जो कंज्यूम कर रही है, क्योंकि जीएसटी उसी स्टेट को मिलता है, कलेक्ट वही करेगी जीएसटी जिस स्टेट में माल कंज्यूम हो रहा है। समझ आ रही है अच्छे से बात? तो वही लिखा गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस है, स्टेट जीएसटी वहां पर आपको देना पड़ता है, ठीक है। वाइल द लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड रिसिप्ट विद इन अ कंट्री इज इमेटीरियल फॉर द पर्पज ऑफ सी जीएसटी, वो ये कह रहा है। इसको ध्यान से समझ लेना, देखो क्या कह रहा है। इन केस द बायर एंड सेलर आर फ्रॉम द स्टेट, स्टेट एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आपको ये देना होता है। सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी वुड बी लिव 7 days ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट द एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ एग्जेम्प्टेड होते हैं। फर्दर बोथ वुड बी लिव ऑन द सेम प्राइस, सेम प्राइस पे होगा। वाइल द लोकेशन, कह रहा है लोकेशन मैटर नहीं करती, वाइल द लोकेशन, वो लोकेशन मैटर नहीं करती है कि भाई आप किस जगह के रहने वाले हो। वाइल द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड रिसिप्ट विद इन अ कंट्री इज इमेटीरियल, ठीक है। हाउएवर सी जीएसटी के लिए कह रहा है, हाउएवर एस जीएसटी वुड बी चार्जेबल ओनली वेन द सप्लायर एंड रिसिप्टेंट आर बोथ लोकेटेड विद इन अ स्टेट। से क्या मतलब कह रहा है ये? वो कह रहा है कि देखो, अगर आपकी बायर और सेलर की लोकेशन एक ही स्टेट में बिलोंग नहीं करती तो एस जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सी जीएसटी वहां मटेरियल नहीं करता, कह रहा है। व्हाइल द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिप्टर विद इन अ कंट्री इज इमटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ सी जीएसटी, सी जीएसटी को मतलब नहीं, सी जीएसटी देना ही पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है वो, चाहे आप बंदा कहीं भी रह रहा हो, दोनों एक स्टेट में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एस जीएसटी में मतलब है, जो आप साथ में एस जीएसटी देते हो वो तब देते हो जब सप्लायर और जो बायर है वो एक ही स्टेट में बिलोंग करता है। तो बायर और सेलर जो है, एस सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों एक साथ तब देने पड़ते हैं जब बायर और सेलर एक ही स्टेट में बिलोंग करते हो, लोकेशन उनकी एक ही स्टेट में हो, रहने वाले वहीं के हो, अंदर ही उसी स्टेट में रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बायर कहीं और, सेलर कहीं और रहता है, बायर कहीं और रहता है, तो आपका लगेगा ही नहीं, फिर तो सीधा आईजीएसटी लगेगा ना, बस वो कहना चाह रहा है ये, ठीक है। सीजीएसटी तो देना ही पड़ता है, सीजीएसटी वो आईजीएसटी बन जाता है बाद में फिर, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। इंटर स्टेट का आपको बता दिया, आईजीएसटी देना पड़ता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। तो यही है हमारा,
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको अच्छे समझ में आएगा जीएसटी के बारे में, अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।